अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वार दिवस इस पाठ के तीसरे हिस्से को पढ़कर समझेंगे। या वर्षी मी आणि ताईनं ठरवलं आपण बाबांचा वाढदिवस साजरा करायचा। इस साल मैंने और बाजी ने मिलकर ये तय किया कि आज इस बार हम जो है तो अब्बू की सालगिरह मनाएंगे। माझ्या ताईनंच नियोजन केलंय, मेरी बाजी ने ही इसका जो है मनसूबा बनाया। तिने केक आणला, मी छान से भेट कार्ड तयार केले। उसने केक लाई और मैंने खूबसूरत सा कार्ड बनाया। आम्ही दोघांनी मिळून घरात सजावट केली, फिर हम दोनों ने मिलकर घर को खूबसूरती से सजाया। आम्ही बागेतल्या फुलांचा छान गुच्छा तयार केला और फिर हमने जो है तो बाग के फूलों को तोड़कर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार किया। आई न बाबांच्या आवडीचे पदार्थ केले, अम्मी ने अब्बू की पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाई। आम्ही सर्वांनी मिळून बाबांचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला। फिर हम सब ने मिलकर अब्बू की सालगिरह बहुत ही खुशी से मनाई। बाबांना आमचं कौतुक वाटले, अब्बू ने हमारी बहुत तारीफें की। वाढदिवस बाबांचा झाला पण बक्षीस मात्र अम्मा दोघांना मिळालं। सालगिरह तो अब्बू मनाई गई मगर जो है तारीफें हमारी हुई। बाई म्हणाल्या, मुलांनो, रमेश आणि त्याच्या ताईने त्याच्या बाबांचा वाढदिवस किती छान साजरा केला। बाईंनी रमेशचे कौतुक केले। टीचरने बच्चों से कहा कि बच्चों देखो, रमेश और उसकी बाजी ने मिलकर अपने अब्बू की सालगिरह कितनी अच्छे से मनाई। और फिर टीचर ने जो है तो उसकी बहुत तारीफ़ की और सब बच्चों ने भी उसकी तारीफ़ की।